वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो नंबर 7 हमारी क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज के लिए। और हम लोग डिस्कस कर रहे थे हमारा चैप्टर 2 जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन। और पिछली वीडियो नंबर 6 पर हमने देखा था कि कैसे हम डेसिमल नंबर सिस्टम से अदर नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम टू अदर नंबर सिस्टम्स कन्वर्जेंस, भले वो आपका बाइनरी टू डेसिमल हो, बाइनरी टू ऑक्टल हो या बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हो। तो सबसे पहले देखते हैं बाइनरी टू डेसिमल हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी टू डेसिमल यानी कि हमको देखना है बेस 2 से बेस 10 में कन्वर्ट करना, बाइनरी टू डेसिमल। तो जब भी हम बाइनरी से डेसिमल में यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ चलते हैं और 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ इस तरीके से एग्जांपल इसका देखें, तो एक बाइनरी नंबर लेते हैं फॉर एग्जांपल 10110, इसका बेस है 2, बाइनरी नंबर है बेस 2 में, तो इसको कन्वर्ट करना है बेस 10 में। तो इसके लिए हम लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट की तरफ चलेंगे और 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे। यानी कि सबसे पहले हमारा है 0 मल्टीप्लाई टू 2 की पावर 0, इसमें हम ऐड करेंगे नेक्स्ट यानी कि 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4, या इसको डायरेक्टली 1, 2, 4, 8 की जो सीरीज है उसमें भी आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 0 के साथ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका तो 0 आएगा नॉर्मली, और जो आपका यहाँ पे 1 के साथ है इसको हम डायरेक्टली अगर 2 की पावर 1 ही लिखते, मल्टीप्लाई नहीं भी दिखाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 2 की पावर 0 होता है 1, लेकिन 0 के साथ मल्टीप्लाइड है तो 0, देन 2 की पावर 1 यानी कि 2, तो 2 इंटू 1 2 प्लस, देन 2 की पावर 2 यानी कि 4, 4 इंटू 1 4 प्लस, ये 0 है मल्टीप्लाई, देन 2 की पावर 4 यानी कि 16, तो 16 इंटू 1 हमारा आ जाएगा 16, तो 20 एंड 22, तो ये आ जाएगा 22 बेस 10, तो इसका आंसर है 22। या आप इसको डायरेक्टली सीरीज में भी रख सकते हैं, जो डबलिंग की हमारी सीरीज थी यानी कि 1, 2, 4 देन 8 देन 16 देन 32 देन 64 देन 128, तो यहाँ से हम सीरीज को डायरेक्टली इसमें रख सकते हैं। यानी कि सबसे पहले 0 है तो ये नंबर हमें यहाँ पे नहीं ऐड अप करना है, देन 1 ऐड अप, देन 1 ऐड, देन 0 ऐड नहीं करेंगे, देन 1 यानी कि ये, तो जिस नंबर में हमने टिक किया है जो जो हमें चाहिए उनको हम ऐड अप करें, यानी कि 16 और 4 और 2 यानी कि 16, 4 एंड 2 टोटल आ जाएगा 22, तो ये हम इस सीरीज से भी डायरेक्टली हम कर सकते हैं। तो इसको अगर हम देखें फ्रैक्शनल पार्ट भी इसका, ये तो आपका केवल इंटीजर पार्ट है, अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में ये होता एग्जांपल के तौर पे, हम यहाँ पे ले लेते हैं फॉर एग्जांपल 1 1 1 0 0 1 0.11, यानी कि इंटीजर पार्ट भी है फ्रैक्शनल भी है, इसको अगर बेस 10 में करना हो तो इंटीजर पार्ट के लिए तो सेम है, इस सीरीज में हम रख सकते हैं। अब फ्रैक्शनल पार्ट में हमारा जो क्या होता है, नंबर मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर माइनस में चली जाएगी, यानी कि 1 इंटू 2 की पावर माइनस 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर माइनस 2, तो इस तरीके से हम करेंगे। या अगर इस सीरीज को ही हम आगे बढ़ाएं तो इसके आगे आ जाता है 1/2, देन 1/4, 1/8, 1/16, इस तरीके से। अब यहाँ पे इसको तो हम सेम इसी सीरीज से कर सकते हैं, यानी कि सीरीज में अगर डायरेक्टली रखें 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, या आप इस तरीके से लॉन्ग फॉर्मेट में भी इसको लिख सकते हैं, तो 100 यानी कि 1 ये नंबर हमें चाहिए, देन 0 देन 0 देन 1 1 एंड 1, तो इनको ऐड अप कीजिए, 32 एंड 8 हमारा होता है 40 50 56 एंड 157, तो इंटीजर पार्ट का तो है 57 और हमारा है 0.11, तो 0.1 के लिए इसी सीरीज को अगर आगे कंटिन्यू करें या इस फॉर्म में लिखें 1 इंटू 2 की पावर माइनस 1, 1 इंटू 2 की पावर माइनस 2, ये इस सीरीज में हम डायरेक्टली रख सकते हैं। यानी कि हमको यहाँ पे ऐड अप करना है 1/2 एंड 1/4 को, 11 के लिए तो 1/2 प्लस 1/4 एलसीएम आ जाएगा 4, एंड यहाँ पे आएगा 2 इंटू, तो यहाँ पे आएगा 2 प्लस 1, तो आएगा 3/4, एंड 3/4 आपका होता है 0.75, तो हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है इसका है 0.75, तो 57.75, तो ये आंसर इसका है 57.75, तो ये फ्रैक्शनल पार्ट भी आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो ये तो था बाइनरी टू डेसिमल, अब हम देखते हैं बाइनरी टू ऑक्टल हम कैसे बाइनरी से ऑक्टल यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो बाइनरी से ऑक्टल यानी कि बेस 2 से बेस 8 में हमने यहाँ पे कन्वर्ट करना होता है,
बाइनरी टू ऑक्टल। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जितने भी ऑक्टल के सिंबल होते हैं उनको हम बाइनरी के 3 बिट्स के इक्विवेलेंट यहाँ पे रखते हैं कुछ इस तरीके से। फॉर एग्जांपल हमारा जो ऑक्टल है इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सिंबल हमारे यूज होते हैं, टोटल 8 सिंबल्स। तो इनको अगर हम 3 बिट के फॉर्म में यहाँ पे रखें बाइनरी में तो कुछ इस तरीके से रखेंगे, यानी कि हम जो सीरीज यूज करते हैं वो होती है 1, 2, 4, 8, 16। तो यहाँ पे हमको केवल 3 ही यहाँ पे चाहिए बिट, तो इसमें हम रखेंगे। अगर 0 को हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करना हो तो हम कैसे करेंगे, 0, 0, 0 कोई भी नहीं चाहिए, 000। देन 1 को हमने करना हो तो ये भी 0, ये भी 0, लेकिन ये 1, 3 बिट में अगर रिप्रेजेंट करना है। तो इसका आप मेमोराइज नहीं भी करेंगे तो कोई यहाँ पे बड़ी बात नहीं, क्योंकि डायरेक्टली आप वहीं पे सॉल्व इसको कर सकते हैं क्वेश्चन में ही। अब 2 के लिए हम क्या करेंगे, ये हमको चाहिए, ये दोनों नहीं चाहिए, यानी कि 0, 1, 0 बनेगा। देन 3 के लिए 2 and 1, यानी कि ये दोनों हमारे 1 है एंड 4 0 है। तो 3 बिट में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी तरीके से 4 का हमारा बनेगा 1, 0, 0, यानी कि 1, 0, 0। 5 के लिए बनेगा 1, 0, 1, 4 and 1, 5। 6 के लिए हमारा बनेगा 4 and 2, यानी कि 1, 1, एंड 1 को हम 0 करेंगे। एंड 7 में तीनों बिट हमारे फुल हो जाते हैं, यानी कि मैक्सिमम है, तो 1, 1, 1। अब देखिए, ये तो हमने यहाँ पे इक्विवेलेंट इसके निकाला जो आपका 3 बिट है। अब यहाँ पे इसको अगर हमने कन्वर्ट करना है तो एक बाइनरी नंबर हम ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0। तो ये है बेस 2 में, इसको कन्वर्ट करना है बेस 8 में। तो सिंपली हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम 3, 3 का यहाँ पे पेयरिंग करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। 3, 3 का हम ग्रुप यहाँ पे बनाएंगे, वो हम बनाएंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट की तरफ। यानी कि सबसे पहले हम पेयर लेते हैं 3 बिट का यहाँ पे, यानी कि 0, 1, 1, 0, 1, 1। देन हम यहाँ पे बनाएंगे नेक्स्ट 3, 1, 1, 0, तो 1, 1, 0 एक पेयर। देन नेक्स्ट 3, 1, 1, 0, यानी कि 1, 1, 0, एंड लास्ट केवल आपका 1 है तो 1 के आगे हम 2, 0 यहाँ पे लगा सकते हैं, एक पेयर ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए इसके इक्विवेलेंट क्या है, 1, 1, 0 किस चीज़ का है, 1, 1, 0 है 6 का। देन 0, 1, 1, तो 0, 1, 1 है 3, 0, 1, 1 अगेन 3, 0, 0, 1 ये है आपका 1 का। तो आप ये मेमोराइज नहीं भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्टली आप इसको इस सीरीज में 1, 2, 4 में डायरेक्टली रख सकते हैं, यानी कि आपका यहाँ पे था 0, 1, 1, यानी कि 1, 2, 4, 2 और 4, 6। उसी तरीके से यहाँ पे 1, 1, 0, यानी कि 1, 2, 4, तो 1 and 2, 3। इस तरीके से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो इसका बनेगा 1, 3, 6। तो ये है आपका बाइनरी टू ऑक्टल। केवल फ्रैक्शनल पार्ट अगर इसमें हमारा, या सॉरी इंटीजर पार्ट, अगर फ्रैक्शनल पार्ट भी दिया होता, फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ले लेते हैं 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1.01, 1, 0, 1, 1, base 2। तो इसके लिए भी सेम, हम लेफ्ट हैंड साइड तो 3, 3 की पेयरिंग करके अभी हमने देखा था, और राइट हैंड साइड भी हम सिंपली यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, लेकिन इस तरीके से, यानी कि हम आपका लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं, यहाँ पे हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट हमने जाना है। तो यहाँ पे पेयरिंग में हमारा डायरेक्टली अगर इसको हम देखें 0, 1, 0 एक पेयर, देन 1, 1, 0 एक पेयर, एंड देन फाइनली हमारा है 1, 1 एक जीरो हम ऐड करेंगे। तो 1, 0, 1 हमारा बनता है 1, 2, 4 एक 1, 2, 4 वाली सीरीज में रखें तो ये आपका बनेगा 5, देन 1 and 2 यानी कि 3, 1 and 2 यानी कि 3। तो हमारा जो इंटीजर पार्ट है इसका तो है 3, 3, 5 point। तो यहाँ पे भी 3, 3 का पेयर हमने बनाना है 0, 1, 1, तो 0, 1, 1 हमारा क्या होता है 1, 2, 4, यानी कि 1 and 2 बनेगा 3। देन अगेन एक पेयर हमने लेना है 0, 1, 0, 1, यानी कि 1, 2 and 4, तो 4 and 1, 5। देन आपका यहाँ पे केवल 1 है तो आगे हम 2, 0 और लेंगे इस तरीके से, तो इसका आपका क्या बनेगा 1, 2, 4, यानी कि केवल 4 ही हमको यहाँ पे चाहिए। तो इस तरीके से हमने बेस 8 में इसको कन्वर्ट कर लिया, यानी कि सिंपल है, हमने 3, 3 बिट्स की यहाँ पे ग्रुपिंग करनी है, उनके इक्विवेलेंट जो भी हमारा यहाँ पे नंबर आता है उसको हमने लिखना है। तो ये तो था बाइनरी टू ऑक्टल। अब हम देखते हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे किया जाता है। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हमारा बेस 2 से बाइनरी, बेस 2 से बेस 16 में हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो ये भी काफ़ी ईजी है, जैसे हमने ऑक्टल में क्या किया था, वहाँ पे हमने हर एक सिंबल को 3 बिट्स में रिप्रेजेंट किया था, ग्रुप ऑफ 3 बिट्स था, यहाँ पे ग्रुप ऑफ 4 बिट्स होता है। तो सिंपल है,
और 4 बिट्स इसलिए होता है क्योंकि अगर हम देखें 1 2 4 8, तो 3 में करने पे हमको क्या मिलेगा, 1 1 1, मैक्सिमम कितना मिलेगा 7, और आपके ऑक्टल में होते हैं 0 to 7, यानी कि टोटल 8 सिंबल। वैसे ही हेक्साडेसिमल में हमको यहाँ पे मिलता है एक और 1, यानी कि टोटल हम ऐड अप करें तो आता है 15, यानी कि 0 to 15 टोटल यहाँ पे 16 सिंबल, जो कि आपका होता है सिंपली हेक्साडेसिमल के लिए। तो यहाँ पे हम 4 बिट्स, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स यहाँ पे यूज करेंगे, और ग्रुप ऑफ 4 बिट्स को मेनली निबल भी यहाँ पे बोला जाता है। ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज ऑल्सो नोन एज निबल। तो यहाँ पे सीधा हम डायरेक्टली इसका क्वेश्चन करते हैं। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, 10111 110 1101, तो काफी है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है, बेस 2 से कन्वर्ट करना है बेस 16 में। इसके लिए हम लेंगे ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, यानी कि सबसे पहले ये हम ग्रुप यहाँ पे लेते हैं, यानी कि 1101, देन ये ग्रुप हमने ले लिया 4 का, 1101 है ये भी, और देन 1011 1011। तो इसको हम डायरेक्टली या तो हम कन्वर्ट करके देखें, हम पूरी सीरीज लिखें, दूसरा तरीका डायरेक्टली आप इस सीरीज में रख सकते हैं 1 2 4 8। तो सबसे पहले है 1011, यानी कि 1011, तो इनको ऐड अप करके कितना आता है, 8 and 4 12 and 1 13, देन 1011 1101, तो इसके लिए भी आपका 13, देन 1011, यानी कि 1 2 4 8 में रखने पे हमको मिलेगा 1011 1 0 1 and 1, यानी कि 8 2 10 and 1 11। तो यहाँ पे आपको पता होगा कि हेक्साडेसिमल में ए को हम बोलते हैं 10, बी को बोलते हैं 11, सी हमारा इक्विवेलेंट होता है 12 के, डी 13, ई 14 एंड फाइनली एफ 15। तो यहाँ पे 13 के लिए हम डायरेक्टली 13 ना लिख के इसको डी हम यहाँ पे लिखेंगे, वैसे हमारा दोबारा 13, तो डी, एंड 11 हमारा यहाँ पे बनता है सिंपली बी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा बी डी एंड टी। तो ये तो है केवल इंटीजर पार्ट, अगर फ्रैक्शनल भी करना हो तो एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, 110110.1110112 में। तो इसमें भी सेम 4 4 की ग्रुपिंग करनी है, एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप 0 1 1 1 0 ऐड अप कर लेते हैं। तो 1011 यानी कि 1 2 4 and 8 4 and 8 12 and 1 13, तो 13 का अभी हमने देखा था हमारा बनता है टी, तो इसका बन जाएगा डी। देन है 0110 यानी कि 0110, तो 1 2 4, तो 2 और 4 यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, यानी कि 6, तो 6 आपका डायरेक्टली यहाँ पे आ जाता है। तो 6D आपका बनेगा यहाँ पे इंटीजर पार्ट का। अब फ्रैक्शनल पार्ट में भी हम 4 का ग्रुप लेंगे, एक ग्रुप ये है, दूसरे ग्रुप को हमने 0 लगा के कंप्लीट कर लिया। तो 111 and 0 यानी कि 1 2 4 8 में आप रखिए 0 and 111, यानी कि 1 2 3 तीनों ही हमें चाहिए। तो 8 and 4 12 13 14, और 14 को यहाँ पे बोला जाता है E, तो इसका बन जाता है E इक्विवेलेंट। एंड नेक्स्ट भी आपका सेम है 0111, तो इसका भी बनेगा E। तो इसका आंसर हो गया 6D.EE, ये आपका सॉरी बेस आ जाएगा यहाँ पे आपका 16। तो इसी के साथ जो हमारी वीडियो नंबर 7 है ये भी कंप्लीट होती है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 8।